So if you've been following me for a long time, then you would know that I'm a little crazy when it comes to food. Amal, kya kya khaya? Do machhi, ek mutton, pork, chicken ab kha raha hu. Aloo ke parathe, rotiyan. All right, not little, but very crazy when it comes to non-veg food. Octopus khayenge. Oh, ye nahi ho pa raha hai. All right, I'm a little extreme. I'm gross. Ajeeb aadmi hu main. Now if you've seen my previous vlog, then you would know that मैं नागालैंड आया हूँ एक वेब शो के शूट के लिए जहाँ पे मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ एंड बिकॉज ऑफ माई लव फॉर ट्रैवलिंग एंड फूड एज वेल नागालैंड आने का सिर्फ मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं वहाँ जाके वेब शो के शूट के लिए आऊँ बट मेरा वहाँ जाने का एक और मोटिव था वहाँ का लोकल खाना खाना एंड बाय लोकल खाना आई जस्ट डोंट मीन कि लोकल नागा स्टाइल चिकन या नागा स्टाइल पोर्क बट समथिंग लिटिल मोर फन एंड लिटिल मोर एक्साइटिंग नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आप सभी का स्वागत है आई बहुत सारे वेरिएशन हो गए मैंने सोचा नहीं था कोहिमा में इतनी गर्मी होगी व्हाट इज दिस आई थिंक इट्स बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर इन कोहिमा That's why the temperature got high. अच्छा क्योंकि हम hot लोग आए बहुत hot लोग बहुत hot लोग आए Come on एक बंदे यार बंदे Hello मुझे बस silk worm, woodworm, snails, frogs सब खाना मुझे अब खाया पहले मैंने नहीं खाया ये सब थोड़ा slimy slimy icons पर मैंने सुना snail बहुत tasty होता है बहुत tasty होता है delicacy यार खा के देखेंगे ना और frog भी बहुत tasty होता है मैं अगर आप नहीं खाओगे तो मैं खा के बताऊंगा आपको कैसा है बट बिफोर आई ईट ऑल ऑफ दिस फूड वी वेंट टू अ बाजार जहाँ पे हमें सब ये लाइव देखने को मिलेगा पका हुआ नहीं बिना पका हुआ वेलकम टू नागा बाजार व्हाट इज दिस कॉल्ड व्हाट इज दिस कॉल्ड राजा मिर्चा राजा मिर्चा राजा मिर्चा नागा चिली दिस इज द स्पाइसीएस्ट चिली इन इंडिया हॉटेस्ट चिली इन इंडिया इन द वर्ल्ड आर यू श्योर इट्स नॉट एनीवन ना ए डोंट टच डोंट टच डोंट टच दैट एनीथिंग एल्स नो फॉर दैट डोंट गो फॉर पीइंग आफ्टर दिस टेलिंग यू सब चल जाएगा पटाई नींबू है ये नींबू नींबू यहां पे नॉर्मल नींबू नहीं आता नॉर्मल नींबू नहीं आता है नहीं आता है इसे नींबू ही बोलते हैं कुछ और बोलते हैं नींबू ने बोला है नींबू एंड नाउ इट वाज टाइम टू सी सम रियल क्रेजी स्टफ पूरे शूट पे इस आदमी ने मास्क नहीं पहना इस मार्केट में आते ही इस आदमी ने मास्क पहन लिया ऐसा क्या हुआ इस मार्केट में प्लीज ये देखो क्या बिक रहा है मेंढक तो चलो शेल्स है क्या क्या आया भाई ये हमारे यहाँ से मेंढक कहते हैं कैसे इतना बड़ा है हाँ ब्रो यही मैं देख रहा हूँ दैट्स व्हाट शी सेड ओए ये भागते नहीं है ओ मूव 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 अबे बेटर खाऊंगा पहले हमने नॉर्मल साबुन लगाया फिर हमने डव का इस्तेमाल किया तो सांप ही है चारों ही डेड बॉडीज हैं हाथ पे ले लूं ये ले This is not a snake. This is an eel. ये पानी का snake ये वो है कि जो current मारते हैं. No. हाँ. So it's not the electric one. See, this is the head. This is. ये हम खाएंगे क्या? खा लो. देखो मन तो मेरा बहुत कुछ है पर ये dead body देखने में ना थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ मैं. भाई देख तेरे को eel दिखाऊँ आजा. नहीं मुझे नहीं देखनी. मुझे नहीं देखनी. तो आ तो. अब मेरे को हाथ मत लगा तू करेगा. वो देख eel. वो मैंने भी पकड़ा है. हाय हाय. क्यों क्यों इनको बाहर निकल रहे हैं? बाहर आना. What's your favorite food? What do you like eating in Nagaland? Huh? ऐसे ना कुछ उठा लो। क्या है सोनल वो क्या है? ये सिल्क फॉर्म है ना? दिखा। दिखा हाय। नहीं। कच्चा खा लो। यही सब देखने तो आया था मैं नागालैंड। आप बताइए तो मैं थे मैंने आपको देखा था। फिर आ गए। ये स्नेल्स हैं। आप मेरे हाथ पे रखो ना मेरे हाथ पे टेस्टी होते हैं ये आप आगे खिलाओ आप खिलाओ ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं ये क्या है व्हाट इज दिस कैटफिश कैटफिश कहाँ मिलेगा खाने को ये सब खाने को कहाँ मिलेगा ये तो बिक रहे हैं कच्चा कैसे खा लूंगा मैं इतना जान मुझसे नहीं होगा वो ऐसा है कि इतनी गंदी स्मेल है भाई मेरा हो गया आई एम डन मैं जाऊं घर सौरभ मैं नहीं आ पाऊंगा ब्रो सॉरी तो ये अनशन चीज़ें मैंने देख तो ली बट अब उसे खाने के लिए हम आ गए एक लोकल हाउस पे जो कि हमारे साथ कुक करेंगे बिफोर आई शो यू व्हाट हैपेंड एट द लोकल हाउस मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखा देता हूँ जो मैंने लोकल होम स्टे से जाने से पहले ही खा ली थी विच इज मैंने खाया जिस दिन के सारे छेद खुल गए मेरे सही सही ओ भाई आप कैसे खाई पूरा खा गई आई एम यूज्ड टू ईटिंग दिस ओह रियली इतना तीखा लग रहा है
कभी भी नहीं कच्ची बिल्कुल मैं खाना फट के हाथ में आ गई भाई। एंड ऑल्सो शोड मी फ्रॉग्स जो मैंने मार्केट में देखे थे, लग तो बड़े दाम में रहे थे, बट लेट्स सी। बोल पेस किसे आई गिव शायर लाइक इट्स हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट आई एम ईटिंग अ फ्रॉग फॉर दीप सदा। थैंक यू सो मच मुझे फ्रॉग खिलाया। Now let me take you to the home stage जहाँ पे हम शूट के लिए जाने वाले थे और let me show you कि हम वहाँ क्या क्या गाने वाले थे। What are we cooking like tonight? Tonight? Yes. Tonight we are going to make like this usually how a Naga kitchen functions like okay. with our daily food. Yeah. So we are going to make chicken with mushroom. Chicken with mushrooms. Yes. This is chicken. Yeah, this is chicken. Okay. And then we have pork and snail. Pork and snail? Yeah. I've never had snails. Oh yeah. So these are like basically escargot snails. Okay. So it's from the terrace field and it's like a delicacy for us. It's tasty. Is it tasty? Like yeah, it's very tasty. So this is bee larva, honeybee, and these are silkworms. And today we will eat them. And these are snails. I hope you are this kind of food. I am very excited to have. Like I came to Nagaland to have snails, bee, and. Worms and frogs. That's good. I will try new delicacies. I want to try new food. So I'm totally. Exactly. Yeah. I'm not just okay with makhni dal and dal. Paneer. I'm bored of that stuff. Are we having frogs as well? I have a phobia with frog. Ben was telling me about it, and I'm like, but I have a phobia. अब जब तक ये टेस्टी खाना बनता, we decided to have some our own fun. And now it was time for the main event. Shoot, नहीं खाना. You got it. ये तो चिकन है तो घर पे भी मिलता है बट दिस इज नागा स्टाइल चिकन। कैमरा पर्सन कम इधर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये सिल्क वर्म दिस इज स्नेल्स एंड पोक ये क्या था सिल्क वर्म अनु क्या दिखाइयो अनु दिस इज करेला दिस इज बी लावा क्या हुआ हनी बी मैं सिल्वन तो अच्छा लगा ब्रो बहुत कैजुअली कहा गया आज भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्नेल्स को बस नहीं 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 चूसना है सकट अबे लेग पीस में से जैसे वो काट के बोन मैरो नहीं पीता वैसा आया ऑयस्टर जैसा है आज जो मिल रहा था भी अच्छा नहीं सिल्कम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था ऑयस्टर्स भी ठीक थे बी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे चिकन ग्रेवी वॉज फाइन फाइन तेरा क्या है ये सिल्कम तो बहुत ही टेस्टी है क्रिस्पी है मतलब हाँ बढ़िया चखना बढ़िया चखना बढ़िया बेस्ट चखना बिल्कुल सही है चलो सॉफ्ट सॉफ्ट है कम अच्छा ना है हां माल कम है उसमें मतलब मटन में माल कम होता है ये बोलता नहीं मटन का पीस उठा वो जमाश ही ना तो मुझे सिल्क वर्म बढ़िया भाई Now I'm sure after watching this video, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आदमी क्या क्या खा गया और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि इट्स सो वियर्ड कि ये लोग ऐसा खाना खा रहे हैं बट लेट मी टेल यू वन थिंग तुम सोचो दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ पे कितने टाइप के लोग हैं यहाँ पे कितने अलग कल्चर्स के लोग हैं कितने अलग बिलीव्स हैं लोगों के और कितना अलग खाना पीना है लोगों का सो ज़रूरी नहीं है कि बचपन से तुम जिस कंडीशनिंग में पैदा हुए तुम्हें जो बिलीव सिखाए गए हैं तुम्हारा जो खाना पीना है दूसरे का भी वैसा ही है सो अगर तुम सोच रहे हो कि यार तुम्हारा खाना बेस्ट है तुम्हारी कम्युनिटी का खाना बेस्ट है ये पता नहीं लोग क्या खा रहे हैं लोग क्यों खा रहे हैं सो आई थिंक यू आर रॉन्ग यू आर नॉट अ वेरी एक्सेप्टिंग पर्सन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट तुमने बचपन से वो वाला खाना खाया जो तुम खाते हो ये लोग जो हैं ये वही खाना खा रहे हैं जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम मे बी वो लोग हमारे लिए सोचेंगे कि अरे क्या खाते हैं दाल रोटी सब्जी व्हाट इज दिस गरीबों वाला खाना सो देयर इज नथिंग राइट देयर इज नथिंग रॉन्ग इट्स जस्ट डिफरेंट एंड व्हेन यू ट्रैवल मतलब मेरा ये मानना है जब मैंने ट्रैवलिंग और ये कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सिर्फ अपने आगे जाके शोज नहीं बनाया था मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पूरी दुनिया सिर्फ घूमनी है मुझे वो दुनिया घूम के वहाँ के
लोगों के कल्चर्स के बारे में जानना है और स्पेशली मुझे वहाँ का खाने के बारे में जानना है कि ये लोग क्या खाते हैं। और जितना बड़ा फूडी मैं हूँ, मैं तो वहाँ के एक से एक अनछंड खाने पे हाथ मारूंगा। आई बिलीव इफ यू लव ट्रैवलिंग देन डोंट जस्ट ट्रैवल टू यू नो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, बट वहाँ के लोगों के बारे में भी जानो, उनके कल्चर के बारे में भी जानो, उनके खाने पीने के बारे में भी जानो। और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो ये सब भी ट्राई टू बी ओपन अबाउट इट। आई एम श्योर इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी वन, बट ट्राई करके देखो, सीक डिस्कम्फर्ट, थोड़ा अपने कम्फर्ट जोन के बाहर आओ तो मज़ा आएगा। सो मैंने बहुत ज्ञान फेल दिया, अभी मैं घर पे हूँ तो अब घर का वही दाल रोटी सब्जी खाने चलते हैं। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, ट्रैवल मोर, मीट न्यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियाँ सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।